हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर केमिस्ट्री यूरेका। और आज जो पढ़ाने जा रहे हैं हम, वो है चैप्टर सॉल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक, जिसको आप आरओ भी बोलते हैं। आरओ सिस्टम जो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस? जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, ऑस्मोसिस का रिवर्स होना, यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाए। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट का फ्लो होता है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक। यहां पर क्या होगा, सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट है वो निकल के जाएगा सॉल्वेंट की ओर, प्योर सॉल्वेंट की ओर, ठीक। और ये कब होगा, अब इसको देखिए, इसको हम पहले आपको एक जो इसका डायग्राम है उससे बताते हैं, ठीक है। जैसे सॉल्वेंट बनाएंगे, एक तरफ सॉल्यूशन होगा, ठीक, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, उसके बाद रिवर्स किया जाएगा उसको, ठीक। देखिए यहां पर ये हमने एक वेसल लिया, ठीक, और इसमें यहां जो लगाते हैं हम, वो मेटल में हमने एसपीएम लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको आप कैसे भी दिखा सकते हो, इसमें होल्स होते हैं, उस टाइप से भी आप इसको दिखा सकते हो, ठीक, एसपीएम है। देखिए अब इधर आप इसको इस तरह से कनेक्ट कीजिए, ये इसमें सेम हाइट पर आप बना सकते हो उसको, ठीक। यहां ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, पिस्टन, ठीक। अब देखिए इसमें हम जो वाटर ले रहे हैं वो है सेलाइन वाटर, सेलाइन वाटर, सेलाइन वाटर जिसमें कि सॉल्ट मिला होता है, ठीक। तो सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्ट मिला हुआ है सॉल्वेंट में, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और क्या होगा, यहां आप देखिए, इधर ये सॉल्वेंट है, ये क्या है, इसको हम ये कह सकते हैं सेलाइन वाटर है, ये है आपका प्योर वाटर। प्योर वाटर हुआ तो ये क्या हुआ, सॉल्वेंट, ठीक। अब देखिए इधर ये सॉल्यूशन है, इसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन, ठीक, और इधर क्या है, ये सॉल्वेंट। अब जनरली अगर हम देखें इसको, यहां पे अगर आप फिलअप कीजिए वाटर को और इसको यहां पे बंद कर दीजिए, ठीक, तो क्या होगा उस कंडीशन में, क्या होगा कि नॉर्मली वाटर किधर है, ज्यादा इधर है प्योर वाटर, तो प्योर वाटर से सॉल्यूशन की ओर फ्लो होता है थ्रू एसपीएम, इसको क्या बोलेंगे, एसपीएम, शॉर्ट फॉर्म है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक, इधर से इधर फ्लो होगा। अब अगर हमें इस सॉल्वेंट का फ्लो इधर से इधर रोकना है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, यहां पर बताइए, इस पे लगाते हैं हम प्रेशर, इधर सी तरफ से क्या लगाते हैं हम, प्रेशर, और वो कौन सा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पाई से कंट्रोल करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं, यानी सॉल्यूशन साइड में इतना प्रेशर लगाया जाता है कि इधर से इधर जो फ्लो है वो सॉल्वेंट का ना हो सके, ठीक, समझ में आ गया, केवल इतना प्रेशर लगाइए कि सॉल्वेंट का फ्लो इससे इसमें ना हो सके, ठीक, क्लियर। अब अगर मान लीजिए सॉल्यूशन साइड पर जो प्रेशर है मैं किससे ज्यादा लगा दूं, चाहे यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अगर प्रेशर लगा दिया जाए सॉल्यूशन साइड में, यानी प्रेशर, ठीक है, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, यानी कि ये जो प्रेशर यहां पे लग रहा है ये किससे ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक,
समझ में आ गया। अगर ज्यादा लगा देते हैं तो क्या होगा बच्चों कि यहां पर होगा क्या कि यहां से वाटर निकल निकल के इसमें चला जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, फ्लो इधर से इधर होगा और किसका फ्लो होगा, सॉल्वेंट का फ्लो होगा। इसका मतलब सेलाइन वाटर में से सेलाइन में अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट तो यहीं रह जाएगा और जो सॉल्वेंट है वो यहां चला जाएगा। देखिए तो कहा है मैंने प्योर वाटर आ रहा है, तो प्योर वाटर यहां पर और उसको कलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। इसी उसमें ये वेसल है और ये प्योर वाटर इसने ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज होगा, पानी पीने के लिए यूज होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे कि प्रोसेस रिवर्स हो गई। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में इधर से इधर वाटर जाता था, जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस में वाटर यानी सॉल्वेंट इधर से इधर आ रहा है, ठीक। तो ये क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस कब होता है, जब सॉल्यूशन साइड पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, नाउ राइटिंग सेक्शन स्टार्ट। द प्रोसेस of osmosis can be reversed when pressure greater than osmotic प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, ठीक। इन दिस प्रोसेस सॉल्वेंट फ्लोज from solution side to solvent side through SPM semi permeable membrane। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, this is called reverse osmosis, ठीक। तो आपने सुना भी होगा कि रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ क्या, वाटर घर में भी जो मशीन यूज होती है आरओ मशीन, वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक। कहते ना कि मम्मी मेरे लिए आरओ का पानी ले आओ, तो वो क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। बच्चों को नहीं पता होगा लेकिन आप पता चल जाएगा उसको क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखिए इसका जो प्रैक्टिकल यूज है वो क्या है, इट इज यूज फॉर द डीसेलाइनेशन ऑफ, ये नोट कर लिया होगा आपने, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, ठीक। ये किसके लिए यूज होता है, अब तो आपको पता चल गया होगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक। ये क्या है प्रैक्टिकल यूटिलिटी इसकी, ठीक। देखिए इसका जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है इस प्रोसेस की वो क्या है, देखिए क्या होती है, फॉर द डीसेलिनेशन ऑफ सी वाटर, जैसे ड्रिंकिंग के लिए जरूरत पड़ती है, बहुत सारी कंट्रीज में ड्रिंकिंग वाटर जो पोटेबल वाटर है जो पीने योग्य पानी है उसकी कमी हो रही है। कहते ना कुछ लोग कहते भी हैं कि आगे जो वॉर होगा वो पानी के लिए होगा क्योंकि पानी की क्राइसिस हो जाएगी, ठीक। तो वो आपस में देश लड़ेंगे पानी के ऊपर, और हो भी रहा है बहुत सारे देशों के बीच वाटर पानी के बंटवारे के ऊपर, समुद्री पानी के बंटवारे के ऊपर लड़ाई भी चल रही है, आप पता होगा अमरीका और ये चीन के बीच चल रही है, ठीक है। तो इस टाइप से ये यहां पर डिसेलिनेशन ऑफ सी वाटर के सेलिनिटी को हटा देना यानी जो सेलाइन है सॉल्ट है वो हट जाए,
सेलाइन वाटर से तो वाटर प्योर हो जाएगा। इसमें अगर आप सेलाइन वाटर भर देते हैं उस पर रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, प्योर वाटर निकल निकल के तो प्योर वाटर एक्सक्यूज आउट फ्रॉम दी सॉल्यूशन साइड। क्लियर, यहां से ये वाटर निकल निकल के यहां पर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको कहते इसकी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है वो यही है कि आप रिवर्स ऑस्मोसिस से सेलिनिटी को हटा सकते हैं और प्योर वाटर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए प्योर वाटर मिलेगा आपको, प्योर वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ठीक, तो बच्चों ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है और डेफिनेशन लिखने को आ सकती है इसकी, एग्जाम में आ जाती है 1 मार्क्स में, और ये भी आया है 1-2 बार क्वेश्चन के, डीसेलिनेशन ऑफ वाटर किस तरीके से किया जाता है, तो उसमें ये लिखना होता है छोटा सा कि रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो मार्क्स होते हैं वो एक एक करके ही बनते हैं उसमें, 0.5 मार्क्स 1 मार्क्स। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है इस चीज को कि एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको आप तैयार कर लेंगे बच्चों। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इसके जो आगे चलेगा वो है एबनॉर्मल गवर्नेंसेस। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।